ख्वाबों का शहर। से 20-25 साल पहले क्या था ये दुबई? हद्दे नजर रेत के टीले और चंदे का मारते, मगर उस वक्त दुबई में सरमायाकारी करने वाले आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। और वजह सिर्फ एक जदीद सी पोर्ट का कयाम और इन्वेस्टर्स की राइट टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट। दुबई से भी बेहतर होने जा रहा है। दुनिया की पहली बड़ी नेचुरल डीप सी पोर्ट के हामिल पाकिस्तान के शहर गवादर में, जिसकी सिक्योरिटी पाक आर्मी खुद मॉनिटर कर रही है। हमारे दिन फिर सकते हैं सिर्फ गवादर में। दिन नहीं फिर सकते, दुनिया की कुल इकोनॉमी का 80% कैश फ्लो पाकिस्तान। हमने ये प्रोजेक्ट ऐसे है जैसे ये पीपल का पत्ता और उसकी एक एक शाख मुझे पता है क्या है, इसलिए कि मैं रिसर्चर हूँ इसका। मैंने दुनिया की तारीख में इससे बड़ा मंसूबा नहीं देखा। पाकिस्तान के देहात के नालियां जो गुजर रही है ना, वहां पर भी डॉलर बह रहे होंगे। इसी के तहत 1,08,000 करोड़ रुपए की लागत से चीन को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए 820 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को उत्तर पश्चिम चीन के जिनजियांग से जोड़ रहा है। Gwador is the port, which is a Chinese-funded port. And the idea is that the Chinese will be able to have a corridor that goes from Tianjin in China all the way down through Pakistan to Gwador. 3,000 kilometer lambe is corridor par Chin 46 arab dollar kharch kar raha hai. Is pariyojana ke tahat Kashgar aur Gwador bandargah ke beech sadak, railway aur petroleum pipeline bichhaya ja raha hai. बैन अलावामी मयार पर मुस्तकबिल का बिजनेस सेंटर गवादर। जी हाँ, अब आपके पास भी है राइट टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट का मौका। कोस्टल हाईवे और मैरीन ड्राइववे को मिलाने वाली सड़क मंद एवेन्यू पर वाके कैनेडियन सिटी गवादर में आसान इकसाद और बामुनाफा सरमायाकारी से फायदा उठाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पाकिस्तान के नामवर समाजी कारकुन और हर दिल अजीज गुलुकार इब्रारुल हक ने भी अपनी वर्ल्ड वाइड एनजीओ सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अगले मेगा प्रोजेक्ट सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स गवादर के लिए कैनेडियन सिटी गवादर का इंतखाब किया है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA की ऑफिशियल वेबसाइट www.gda.gov.pk पर आप देख सकते हैं कि GDA के मास्टर प्लान में कैनेडियन सिटी गवादर ए कैटेगरी की हाउसिंग स्कीम है। ए कैटेगरी NOC उन प्रोजेक्ट्स को दी गई है जो कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के फेज 1 में है, जहां GDA की निगरानी में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहल में है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने गवादर का दौरा किया। चीफ को पाक चीन इक्तिसादी रहदारी मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इस अजम का इजहार किया कि गवादर पोर्ट और इक्तिसादी रहदारी को हर कीमत पर मुकम्मल करके रहेंगे। Turning to Pakistan now, the country has rented 2,300 acres to China for developing the first special economic zone in the deep sea port of Gwadar. Apart from just China and Pakistan, ye pure projects regional benefit ko bhi serve karte hue nazar aate hain, khas taur pe landlocked mumalik ke lihaz se such as Afghanistan, Uzbekistan and Tajikistan. Isi baat ko realize karte hue hukumti inclination ya rujhan nazar aa raha hai is region ki development ke hawale se. Hame join kiya hai स्टूडियोज में डॉक्टर सज्जाद अहमद ने, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट दोनों देर वेरी कीन टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द फ्यूचर डिमांड्स। गवादर को रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू चाइना विद चाइना एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो उसका बेसिक ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए है। रोड निकलती है गवादर से स्टार्ट होके तुरबत से फिर पंजगूर से जाके बेसेमा से खुजदार को हमारे नेशनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाती है।
وزیر اعظم کا پی این ایس اکرم بیس پہنچنے پر آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا نے استقبال کیا. گوادر کو ایک فری پورٹ ہونا چاہیے جیسے کہ دبئی ہے. ایک بھرپور طرز زندگی سے مکمل آراستہ کینیڈین سٹی گوادر نہایت دلکش اور خوبصورت سی ویو کے ساتھ گوادر ایئرپورٹ کے نزدیک مین مند روڈ کی آئیڈیل لوکیشن پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سکولز اور کالجز, بجلی, گیس اور سیوریج کا زیر زمین جدید ترین نظام, جدید فائبر آپٹکس کے ذریعے انٹرنیٹ, کیبل ٹی وی اور ٹیلی فون کی سہولت, کمیونٹی سینٹر, سینئر سٹیزن کلب, لیڈیز سوئمنگ پول, ہائی رائز, جدید کمرشل ایریا, ہر سیکٹر کی اپنی مارکیٹ, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, جدید سیکیورٹی سسٹم, ہاسپٹلز, تفریحی پارکس, روڈ انفراسٹرکچر اور خوبصورت جامع مسجد پر بہت جلد ترقیاتی کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پاکستان